आदाब और अस्सलाम वालेकुम पाक व्हीलर्स, मैं हूं फैज़ान हकी और आपकी इंकरेजमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अपने पहले रिव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ज़ीरो था, क्योंकि मैं एक नॉलेजेबल ऑडियंस से मुखातिब था जो कि मुझसे ये नहीं पूछती कि क्या आपने अभी सिर्फ फार्मूला बनाया है, इसमें चार सीटें कब लगाएंगे। तो मेरा कॉन्फिडेंस लो था, आप लोगों की इंकरेजमेंट की वजह से आई एम फीलिंग एज गुड एज आई एम टुडे। और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कराची के कार एंथूजियास्ट का एंथूजियाज़म दिखाऊंगा। एंड जहाँ शौक़ की बात की जाए तो जिन खातून से आज आपको मिलवाने वाला हूँ वो शौक की इंतहा उन्होंने हमें दिखाई। आदाब आंटी, कैसी हैं आप? मेरी आंटी हैं, कहने को फुप्पो कह लें। इन्होंने 1948 का ये फोर्ड F1 ट्रक कैलिफोर्निया में एक ड्राई टाउन नामी जगह में देखा और उसको अपने हस्बैंड को सरप्राइज़ देने के लिए, जो कि खुद एक बहुत बड़े कार एंथूजियास्ट हैं, उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए ये ट्रक वापस लाई पाकिस्तान। इसको उन्होंने फुली रिस्टोर किया, प्रिपेयर किया ऑफ रोड यूज़ के लिए और फिर उन्हें सरप्राइज दिया। गाड़ी बेचने की टेंशन से होना है फ्री? हाँ भाई हाँ। तो यूज करो पार्क व्हील सेल इट फॉर मी। पार्क व्हील सेल इट फॉर मी, द हैसल फ्री वे टू सेल योर कार। मुझे बहुत शौक था हमेशा से कि एक ऐसा ट्रक हो जो मैं चलाऊं कराची के ट्रैफिक में, और अगर कोई मुझे साइड वाइड मारे तो मैं उसको साइड दे दूं। और वो जमाना है जब गाड़ियाँ कराची में मिनी चला करती थी, येलो डेविल्स जिन्हें कहते थे। तो खैर, मैंने कैलिफोर्निया में ये मैं गाड़ी देखी तो मैंने ये गाड़ी ले ली। और अब ये कि किस तरह अपने हस्बैंड को बताएं कि भई ये मैंने गाड़ी ख़रीद ली, अब पाकिस्तान कैसे लेकर आए। तो मैंने उसको अपने कज़न के घर ले आई थी, वहाँ खड़ी हुई थी वो 2 साल खड़ी रही, दो साल वहाँ खड़ी रही। तो इस आसना में मुझे रोनी पटेल मिले, तो रोनी पटेल बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने कहा कि ठीक है, गाड़ी मंगवा देंगे, इसको अब आप भेज दें। इसमें क्योंकि इंजन नहीं था जब मैंने गाड़ी ख़रीदी। अच्छा, पाकिस्तान में आप गाड़ी इंपोर्ट नहीं कर सकते विदाउट एन इंजन, वरना उसको स्क्रैप कर देंगे। तो मैंने उस वक्त सोच लिया था क्या है, $25 का इंजन डाल देंगे इसमें, इंजन कम्प्लीट हो जाएगा, फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। तो फिर वो ईरानी जो हैं, आई थिंक खुर्शीद ईरानी, उनके पास भिजवा दी टेक्सस में। तो उन्होंने इंजन वंजन डाला और रोनी ने इसको यहाँ मंगा लिया। जब वो यहाँ आ गई तो फिर मेरे मियाँ हामिद उमर वो बहुत एक्साइटेड हुए और ये भी कि गले पड़ गई उनके। मगर उनको क्योंकि ऑफ रोडिंग का बहुत शौक़ था तो उन्होंने इस ट्रक को ख़ास तौर पर ऑफ रोडिंग के लिए बनाया। तो अगर आप देखेंगे तो ये ओरिजिनल, वैसे तो ओरिजिनल है मगर इसमें बड़ा इंजन डाला हुआ है और लिफ्ट अप की भी है, काफी लिफ्ट अप, ताकि हम ऑफरोडिंग सामान डाल के और ले जा सकें। आपको इनके हस्बैंड के बारे में एक छोटी सी बात बताऊं, वो पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने अपनी गाड़ी बनाई 1969 में। एच एस एन के स्टूडेंट थे, 16 साल की उम्र थी, उन्होंने अपनी पहली गाड़ी बनाई, पहली गाड़ी, और वो पाकिस्तान की पहली गाड़ी थी। एग्जैक्टली, ये रिकॉर्ड पे उस गाड़ी का नाम कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, मगर लॉन मोर का इंजन लगाया था, बनाया था, उसकी तस्वीर भी है। मैं आपको एक और मजे की बात बताऊं, ये गाड़ी अगर आप इसको, बहुत से लोग कराची में जानते हैं क्योंकि जब सैलाब आ जाते हैं कराची में, बारिश होती है मानसून की, तो ये गाड़ी, ये खानदान अपनी गाड़ी में निकलकर लोगों को रेस्क्यू करते हैं। बहुत से लोगों की ये वीगोज निकाल रहे होते हैं और फंसी हुई गाड़ियाँ खींच के निकाल रहे होते हैं। इन टर्म्स ऑफ ऑफ रोडिंग ये शंदूर पास गई हुई है ये गाड़ी, बलूचिस्तान तो हम बहुत दफ़ा हंगोल जा चुके हैं इसमें, और इसका बड़ा प्रोलिफिक रिकॉर्ड रहा है ऑफ रोडिंग में। आंटी, इफ़ यू प्लीज़ टेक अस अराउंड द कार, हमें इसकी कुछ डिटेल्स के बारे में बताइएगा। आपने जिस तरह से रिस्टोर किया है इसको, आई मस्ट से इट्स अ मिलिट्री ग्रेड रेस्टोरेशन। ये गाड़ी है जिसमें आप कॉन्फिडेंटली किसी भी चीज़ को पकड़ के हिला सकते हैं और आपको पता है कि वो, यू नो, इट्स लाइक समथिंग एट द पोर्ट ऑफ सॉलिड ओल्ड स्कूल मेटल, सो सॉलिड आंटी। हालांकि आपको रिस्टोर किए हुए इस गाड़ी को आई थिंक अब 20 साल होने वाले जी, हैं जी जी, मगर आज तक इसकी कंडीशन बेहतर होती जा रही है, वक्त के साथ ख़राब नहीं होती। तो ये पहले आपको पता कि ये गाड़ी जो है ये अमेरिका में लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है, तो इसको इन्होंने राइट हैंड ड्राइव भी किया अगर आप देखें। बिल्कुल, और एयर कंडीशनर नहीं था, एयर कंडीशनर लगाया इसमें। बेंच सीट हुआ करती थी, बेंच सीट के पीछे टैंक होता था, लोग इतने बड़े बिग साइज़ के नहीं होते थे। तो अब इन्होंने ये कम्फर्टेबल सीट्स बनाई हैं, सीट्स भी स्पेशल हैं, ये इंडिपेंडेंटली रॉक करती हैं, झटका नहीं लगता इनमें जी। इस गाड़ी का पिछला सेक्शन जो है वो भी इन्होंने बताया था मुझे कि इट्स सेपरेट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द बॉडी, तो वो उसमें एक एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑफ रोडिंग में।
ये जो है ये और ये अलग होता है। और ये क्या चीज़ है आंटी? ये एक्स्ट्रा उन्होंने बना दिए हमें सामने सीढ़ी। अच्छा। सॉर्ट ऑफ सीढ़ी क्या स्टूल कि कभी गाड़ी रुक के कहीं रुके में सड़क के किनारे तो इसको खोल लें और ये एक स्टूल बन जाता है। अच्छा। ये एक स्टूल है तो आप इसको यूं करके, अरे वाह, तो ये स्टूल परफेक्ट है ना। आप बैठे हैं, टाइट चिट खोलना है, कुछ करना है। और इस गाड़ी की एक और मजे की का फीचर दिखाऊं, इसमें क्योंकि बहुत सी मॉडिफिकेशंस हुई हुई हैं, ये एक वाटर टैंक है जिसमें साफ ड्रिंकिंग वाटर होता है दोनों पहियों के ऊपर। और ये इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि गाड़ी को इतना लिफ्ट किया और ये खला रह गया था, तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के वाटर टैंक्स हैं। वाओ। और ये बहुत काम आते हैं। इधर इसके टैप्स लगे हुए हैं, इस पर आप देखें लगे हुए टैप्स लगे हुए यहाँ, ये टैप्स हैं। और कई ट्रिप्स में मैंने देखा है कि कोई अंकल शेव बना रहे हैं अपनी यहाँ बैठे हुए वही स्टूल लेकर। इट्स अमेजिंग। और ये ओरिजिनल इसका वो है, ये ओए होए, इट्स लाइक अ बोट का डेक। ये डेक जो है, वाह, ये सब मैंने खुद रिस्टोर किया था अपने हाथों से, पॉलिश वॉलिश कर। रियली? ये आपका फ्यूल टैंक? ये फ्यूल टैंक हो गया। हाँ। सॉलिड फिटिंग्स की मैं बात कर रहा था, ये कोई बच्चा इसको पकड़ के खड़ा हो कहाँ उसको गिरने का डर होगा। बहुत मजा आता है बच्चों को, ये सीट्स भी बहुत काम आती हैं। अरे सबसे अच्छी बात है कि हर चीज सॉलिड है। बिल्कुल बिल्कुल मिलिट्री फील वाली, बिल्ट टू हाई स्टैंडर्ड। तो सिर्फ शोशा के लिए नहीं है, चलती है, इस्तेमाल होती है, लोगों के काम आती लगा है इसमें, सुपर रिलायबल, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसके बारे में तो हामिद ही बताएंगे आपको कि इंजन और वो कैसा है, मगर वो सारा काम उन्होंने किया। एक उसको चाबी दें स्टार्ट हो जाती है गाड़ी। आइए मैं आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूँ, इट्स वेरी टेस्टफुली डन ऑल्सो। और ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स देखें, कितना सॉलिड ये फुट पैक है सिर्फ ऊपर चढ़ने के लिए। दिस इज द फ्यूल फिलर, यहाँ पे आप मुख्तलिफ बटन्स देखेंगे तो ये पॉट ऑन लिखा हुआ है, यहाँ पे कैंपर का पॉट है, ये इसको मैं, वो होता क्या है? होता क्या है कैंपर का पॉट? पहली बार सुन रहा हूँ। चाय के लिए? रियली? ये इसमें गर्म हो जाता है 10-15 मिनट में, उसको ऑन कर दें तो पानी गर्म हो जाता है। हमारा सब चाय का सामान इस सीट के पीछे रखा होता है, हमने चाय खुद भी पी, दूसरों को भी पिला दी। आंटी इसे कहते हैं इंतहाई शौक? बहुत। हाँ, क्योंकि मैं पर्सनली मैं वो, एक तो हिंगोल जब जाते हैं तो कोई चाय खाना आता नहीं है, तो दिल चाहता है चाय कॉफ़ी पीने का, तो वो यहाँ होता है। दिस ट्रक ऑलवेज टेक्स मी बैक आंटी टू 2002, 2003, 2004। देखें, और आपने सारी फिटिंग्स जो लगाई हैं वो मतलब एवरीथिंग फील्स वेरी ओरिजिनल, यू नो, यहाँ पे फोर्ड का एम्ब्लम लगा हुआ है, पुराने जमाने के एसीज की जिस तरह बड़ी बड़ी उनकी कंपोनेंट्री होती थी वो सब है। तो यहाँ पे एक फीचर और है कि आप बैठे हुए हैं तो मॉडर्न फीचर के, ये देखें कप होल्डर। कप होल्डर जबरदस्त, ये भी सॉलिड, इसको आप अंदर कर दें। इस तरह लाइट वाइट लगी हुई है, दरवाजों में लाइट आती है कुछ। और ये स्टीयरिंग व्हील आंटी, ये मुझे फोर्ड का नहीं लग रहा। हाँ, ये नहीं लग रहा मुझे, है ना। एक्चुअली जब वो वैसे इंजन होते थे तो वो उसमें बड़ा स्टीयरिंग होता था कि उसको घुमाना पड़ता था, विद द ऑटोमेटिक थिंग तो इट्स जस्ट अ फ्लिक ऑफ योर फिंगर, यू नो, रिस्ट। एंड ऑफ कोर्स ऑफ रोडिंग में आपको थोड़ा सा चाहिए होता है फ्लेक्स अपने स्टीयरिंग में, इट कांट बी वेरी टाइट। वो रेसिंग कार्स की तरह कर दें तो फिर वो ऑफ रोडिंग नहीं हो सकती। आंटी इसको चलाएं? बिल्कुल चलाएं, लेट्स गो। इस
इसको चलाने में बहुत मजा आता है। श्योर आंटी, आपने रोड ट्रिप्स तो बहुत सारे किए हैं, बहुत सारे जी। मुझे याद है एक जमाने में आप, आई थिंक आप और आपकी बेटी कराची से गए थे खुंजराब। लॉन्ग डिस्टेंस तो खुंजराब, कोहिस्तान, क्वेटा कई दफ़ा गए हैं ज्यारत से आगे। आप सब जगहों का कराची से बता रही हैं? सब जगहें कराची से ओरिजिनेट करके गए। एक ज़माना था कि हम लोग ईद की छुट्टियाँ हैं 3-4 दिन की, तो उसमें हम 2 गाड़ियाँ लेके चले गए। मतलब हम इतना सेफ फील करते थे जाने के लिए। अब नहीं करते? अब नहीं करते। हमने कराची से लाहौर तो बतेरे ट्रिप्स किए हैं, मगर ये कि अब सेफ्टी इशू की वजह से हामिद कहते हैं कि 3-4 गाड़ियाँ हों तब जाएं। आंटी, सेफ्टी इशू आपके बलूचिस्तान तो ऑफ कोर्स वी नो इज जनरली अ सेफ्टी इशू, और कहाँ कहाँ आपको सेफ्टी का इशू आपको कंसर्न फील होती है स्पेशली एज अ वुमन? भाई देखें, हमारे यहाँ जो सेटअप है कल्चरल टैबूज एंड ऑल दैट, उसमें मैं और मेरी बेटी तो हम चाहें हम अकेले चले जाएं, मगर हमें इजाज़त ही नहीं मिलती अकेले जाने की। तो मैं तो सेफ फील करती हूँ कि अगर आपके पास प्रॉपर गाड़ी हो, कहीं रास्ते में रुक नहीं जाए तो हम जा सकते हैं। 2-3 गाड़ियाँ हो जा सकते हैं, और लोग करते भी हैं। मैंने बहुत सुना है कि लोग करते हैं, एक गाड़ी में भी चले जाते हैं। Want to ride? Yeah, sure. And now I'm going to drive this car for the first time. इंजन बंद करके स्टार्ट करना फिर तुम्हें मजा आएगा। Really? आंटी कह रही है इंजन बंद करके दोबारा स्टार्ट करना तुम्हें मजा आएगा। Oh, oh my God, auntie! Know what you were talking about? है ना, जिसे कहते हैं टच करके स्टार्ट हो जाए। मेरी सिविक से ज़्यादा जल्दी स्टार्ट हुई है। Wow, this is big. आंटी, मैं जब उस गैप में से निकाल रहा था तो मेरे एक सेकंड के लिए जरूर दिल हलक में आया था, क्योंकि ये शायद लग जाए, मगर हाँ, मतलब it might be too close, तो इसी चौड़ी बहुत है ना। इसको चलाना बहुत आसान है। चलाना आसान है। अंदाजा हो जाए कि ये कितनी चौड़ी और क्या है। Pretty easy, आंटी, easy to drive. We get to do a little off-roading. गाड़ी अपनी पूरी रोड एलोकेशन यूज करती है from left to right. वैसे इस तरह की गाड़ी में मुझे डीजल इंजन ही अच्छा लगता है। Somehow petrol would feel too direct. Sure. You know, इसमें जो एक सॉफ्टनेस होती है ना डीजल में। अंकल अपनी सेहत के बावजूद ऑफ रोडिंग संडे जरूर जाते हैं। वो ऑफ रोड रोडर्स का मीटअप होता है फेज 8 में, तो वहां जाते हैं। और अब हम DHA फेज 8 के रेगिस्तान में आ गए हैं, और अंकल भी आ गए अपनी अपने फोर्ड F1 ट्रक में। आदाब, हाउ आर यू अंकल? हेलो, आई एम गुड। कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आई एम गुड, यस। फाइनली वी गेट टू मीट द फर्स्ट पाकिस्तानी टू बिल्ड अ कार। बात वहां शुरू करते हैं। दैट कार वाज बिल्ट फ्रॉम स्क्रैच, इट वाजंट अ कार। कुछ लोहा लंगर पड़ा था उधर, उसे जोड़ के, और एक रोप स्टार्ट इंजन नहीं होता पंप में, वो उसमें लगाया जनरेटर की तरह, और एक गियर बॉक्स लगाया World War II की। इट हैड नो रिवर्स गियर ना। रियली? तो आपने ये एज एन इन्वेंटर बनाई थी गाड़ी, आप इन्वेंटर थे? इन्वेंटर से आप कह लें, गॉड गिवन एक गिफ्ट था और शौक था। इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड? इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड नहीं था 16 साल में, right. वो अभी भी नहीं है, बट अखबार रद्दियाँ बेचता था दोस्तों के घर से जमा करके, टू हैव सम मनी टू मेक इट। इवेंचुअली इट वॉज बिल्ट, इट वॉज यूज फॉर 20 ईयर्स। जब मैं उसको रजिस्टर कराने गया तो वो कहते बिल ऑफ लेडिंग कहाँ है। मैंने कहा यहीं बनाइए बिल ऑफ लेडिंग। भाई आपके फाइल के कागज़ पूरे नहीं हैं तो नहीं हो सकती रजिस्टर। तो फिर एक SP कोई मिला तो कहने लगा मुझे राउंड द ब्लॉक राइट दो, तो ही रजिस्टर्ड इट। सो इट वॉज यूज फॉर मैनी ईयर्स। एनी वेज, अब इस गाड़ी पे आते हैं। अब आपकी बेगम ने ये गाड़ी आपके लिए पसंद की, कैलिफोर्निया से उसको यहाँ लेकर आई। आपसे छुपी हुई बात थी, आपको नहीं पता था, आपको सरप्राइज मिलना था। तो आप किस स्टेज पे आके इन्वॉल्व हुए इस गाड़ी में?
किस्सा ये है कि जब मेरी शादी हुई तो माय वाइफ वुड से कि ये जो अमेरिकन मूवीज में फार्म पे ट्रक पिकअप नज़र आती है वो मुझे चाहिए, तो पाकिस्तान में तो आई नहीं थी। मैंने कहा भाई ढूंढ दे, तो नहीं मिली। तो ये सरप्राइज था कि ये कहीं कैलिफोर्निया फार्म पे खड़ी हुई। और जब मैंने इसको देखा, मैंने कहा भाई जो शक्ल सूरत देखी, मैंने कहा इसका मैं क्या करूँ, वाकई ये क्या चीज़ आ गई। तो मैं और मेरे साथ मेरे दोस्त तैमूर मिर्ज़ा जी, ही इज़ इनटू जीप्स एंड एवरीथिंग, तो ही हेल्प मी आउट, यू नो। तो इसको बनाना शुरू किया, हमने इसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर आइडिया ये था कि इसको यूज़ करना है। देखें, कुछ लोग पुरानी गाड़ियाँ बनाते हैं सजाने के लिए, बस वो घर खड़ी रहती है कभी ऐसे ही। तो मेरा था कि भाई कुछ भी बनाओ तो प्रैक्टिकल होनी चाहिए यूज़। तो उस वक्त मैं, अच्छा हमारी यूज़ है गोइंग ऑफ रोड कच्चों में, तो हैड टू बी वेरी टफ। आई बॉट ए लैंड क्रूजर एंड ओल्ड वन, क्रूजिंग मॉडल, लैंड क्रूजिंग द बिग वन, 4000 cc ऑटोमेटिक, तो अंडर नीथ इट्स ए लैंड क्रूजिंग। लीफ स्प्रिंग्स लगे हुए, वो लैंड क्रूजर के हैं, ये जो लीफ स्प्रिंग है जी, बिकॉज इसका इंजन जो है ना मच हैवियर है, तो इट हैज़ टू टेक दैट। तो फिर लैंड क्रूजर्स को जाके देखा, ट्रैवल की ज़रूरत है वो भी है। फिर वो देखा कि भाई किधर से किधर पिवट होना चाहिए, डू द इंजीनियरिंग राइट, सो आई पुट माई टाइम इन इट। तो और जो रियर में है वो इसके ओरिजिनल है, बिकॉज इट वॉज सपोज टू कैरी वेट, दैट द ओरिजिनल फ्रॉम 1948। इट्स ए स्मॉलर, इट्स बीन वर्किंग परफेक्टली। अब हम इसको 12 साल से यूज़ कर रहे हैं, और ऑफ रोड जब जाते हैं तो कोई सी भी गाड़ी हो, जीप हो, टेक्स अ बीटिंग, ओके, द रॉक्स एंड यू नो ऑल दैट। कभी नहीं खड़ी हुई, कभी नहीं फंसी, दूसरों को खींच के निकालती है, ये तो हमने खुद देखा है। और दूसरों का सामान भी इसमें भर के जाता है ना, द एक्स्ट्रा पानी, द फ्यूल, टेंट्स, दिस दैट। तो आई विल शो यू द द इंजन, 5 सेफ्टी लॉक, क्योंकि जब आप उड़ते हुए जाते हैं ना, इट फ्लाइज, तो यू हैव टू बी श्योर के द बोनेट इज डाउन। और ये इसका, जैसे लोग घोड़ों के सैडल, ये हाँ, ये इसका ओरिजिनल वो है जो होता है, देर एक और ऊपर कर दे। स्ट्रेट 6 इंजन है, टोयोटा का द मोस्ट रिलायबल, और ये कंप्यूटर वाला EFI नहीं है, राइट, यू नो कंप्यूटर वाला ECU से कंट्रोल होता है, सो मच इलेक्ट्रॉनिक्स के मोर थिंग्स टू गो रॉन्ग, राइट। तो ऑफ रोड व्हीकल्स यू डोंट वांट दोस थिंग, इट इज टर्बोचार्ज, यस, बट हैव यू डन सम अपग्रेड ऑन अपग्रेड्स ऑन इट भाई? व्हेन वी पुट दिस इन, इसका अपना इंजन छोटा सा था, स्पेस का मसला था। इसका ओरिजिनल इंजन कितने सीसी का होता था? 2000 बस, 1948 में, 48 में, इसमें छोटा सा था, रियली, यस, जैसे विलीज जीप है, उसी जमाने की है ना, राइट, उसमें 1600 सीसी का होता था। तो इतनी भारी व्हीकल के लिए बहुत छोटा होता होगा इंजन, नहीं? ओ, वो तो ऐसी फार्म यूज, लो गियरिंग, बस इधर मैंने इसको ऑफ रोडिंग के लिए बिल्ड किया, यस। सो व्हाट इज दिस? ये एयर क्लीनर है, और ये थोड़ा लंबा इधर है कि जरा सी फ्रेशर एयर इसमें जाए, नॉट द हॉट एयर। ये मॉडिफिकेशन आपकी अपनी की हुई? हाँ, क्योंकि ये टोयोटा के उस इंजन में तो नहीं होता था, लैंड क्रूजर के, उनका तो कागज का फिल्टर होता है, दिस ये ऑयल बाथ फिल्टर है, तो ये इंजन का है, सो इट्स ऑटोमेटिक। तो अंकल ये बताएं, आप कराची में रहते हैं, कराची से करीब अच्छे ऑफ रोडिंग के स्पॉट्स कहाँ हैं, कहाँ लेके जाते हैं आप इस गाड़ी को? अगर आप बेस्ट स्पॉट पूछ रहे हैं मेरे हिसाब से, जिसमें एडवेंचर है, जहाँ गाड़ियाँ फंसती हैं, जहाँ स्किल चाहिए चलाने को और एंड सो फोर्थ, वो है हिंगोल वैली नेशनल पार्क। आई थिंक सो टू। लोग जाते हैं मड वॉल्केनो, रास्ते में आता है, कैंपिंग इज़ वेरी गुड देयर, दरिया साथ है, मगरमच्छ है, यू हैव टू बी केयरफुल। बट चलें व्यूअर्स, आप हमें बताइए कि आप हमारे साथ इस गाड़ी में कहाँ जाना चाहते हैं। ये थी कहानी इस 1948 के F1 ट्रक की,
आप हमें बताइए कि आप इस ट्रक को हमारे साथ कहाँ देखना चाहते हैं, ऑफ रोडिंग ट्रिप्स पे हम आपको लेकर जाएं, हिंगोल रिवर जाएंगे, हिंगोल वैली जाएंगे, या भूटानी फार्म्स, या कोई और लोकेशन, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आई एम फैजान हकी, इट वॉज अ प्लेजर ब्रिंगिंग यू दिस एपिसोड विद द 1948 फोर्ड F1 ट्रक, एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम समवेयर एल्स विद सम अदर व्हीकल। सी यू देन।